नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि अप ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम कौन सी गलतियां होती है, ये सब हमने सीखा। उसके साथ हमने ये भी सीखा कि कैंडल के साथ ग्राफ का क्या रिलेशन होता है, ये भी सीखा, और कैंडल के अंदर किस तरीके के ग्राफ बने होते हैं वो भी सीखा। आज के वीडियो में हम हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड सीखने वाले हैं। ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो फिर सीखना चालू करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर अलग अलग कैंडल स्टिक दिख रहे होंगे, कैंडल स्टिक के साथ आपको उसके सामने ये ग्राफ भी दिख रहा है। ये दो बुलिश कैंडल स्टिक का ये ग्राफ है और ये बेरिश कैंडल स्टिक का ये ग्राफ है, मतलब ये दोनों कैंडल को हम डेली का कैंडल मानते हैं, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। वैसे ही ये कैंडल के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर हम आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर सप्लाई जोन दिख रहा है, यहाँ पर भी सप्लाई जोन दिख रहा है और यहाँ पर भी सप्लाई जोन दिख रहा है। जो लोगों ने मेरे YouTube के डिमांड और सप्लाई जोन के वीडियो देखे नहीं है वो जाके देखे, तो उनको यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। तो दोस्तों, ये सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है और ये भी सप्लाई जोन है। अभी मैं आपको जो भी समझाने वाला हूँ वो आपको ध्यान दे के समझना है। देखो दोस्तों, आपको फिलहाल ये समझना है कि यहाँ पर बायर की ताकत ज्यादा है और यहाँ से बाइंग चालू होने वाली है, आपको फिलहाल ये समझना है। तो यहाँ से बाइंग चालू हो गई दोस्तों, यहाँ से जैसे ही बाइंग चालू हो गई यहाँ पर करेक्शन आया। ये करेक्शन क्यों आया? क्योंकि इसके सामने सप्लाई था। ओके, सप्लाई होने के कारण यहाँ पर सेलिंग आ गई और ये करेक्शन आ गया। करेक्शन आने के बाद यहाँ से वापस बाउंस आ गया। ये बाउंस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर बायर की ताकत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बाउंस आ गया। मतलब अगर बायर के पास 500 की क्वांटिटी है तो सेलर के पास 250 की ही क्वांटिटी है। हमें एक एग्जांपल के लिए समझना है, अगर ये बायर के पास 500 की क्वांटिटी है और ये सेलर के पास 250 की क्वांटिटी है, तो सेलर कहाँ तक आ जाएगा? इधर तक आ जाएगा, और यहाँ पर सेलर की 250 की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, वापस बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा। इस तरीके से चार्ट के ऊपर हमें ये वेव दिखाई देती है दोस्तों। ये वेव क्यों बनती है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो करेक्शन क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब भी प्राइस ऊपर जाती है तब उसमें छोटे बड़े करेक्शन आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि बीच बीच में कोई सेलर बैठा रहता है और वो सेलिंग करता है, इसीलिए वहां पर करेक्शन आते हैं। इस तरीके से अगर वहां पर बायर की ताकत ज्यादा होती है, वापस प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है। मतलब आने वाले हर एक करेक्शन के पीछे सप्लाई जोन का ही हाथ रहता है। जो भी करेक्शन आता है अप ट्रेंड में, वहां पर सप्लाई जोन रहता है, इसलिए करेक्शन आता है। ये पिक्चर के माध्यम से मुझे आपको ये समझाना है, अगर बायर की ताकत ज्यादा होती है तो प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाती है दोस्तों। प्राइस किस तरीके से ऊपर जाती है? इस तरीके से ऊपर जाती है, बराबर। जब भी ये छोटे बड़े आपको करेक्शन दिखते हैं, वहां पर सप्लाई जोन होता है, इतना ही आपको समझना है। अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर वही पिक्चर दिख रहा है, मैंने खाली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची है, सेम पिक्चर है जो हमने पीछे देखा। जब भी प्राइस ऊपर जाती है दोस्तों, तो एक ट्रेंड बनाकर ऊपर जाती है और वो ट्रेंड हम ये ट्रेंड लाइन के द्वारा देखते हैं, ट्रेंड लाइन लगाकर देखते हैं कि ये ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि जब भी कभी करेक्शन आता है तो सप्लाई जोन की वजह से करेक्शन आता है, और जब भी कभी बाउंस आता है डिमांड जोन की वजह से आता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्राइस जब ऊपर जाती है तो सप्लाई जोन को रिएक्ट करती है, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करती है, उसके बाद वापस बाउंस आता है, वापस सप्लाई जोन आता है, उसके बाद
वापस करेक्शन आता है, वापस बाउंस आता है, वापस करेक्शन, वापस बाउंस, वापस करेक्शन। इसका मतलब कि सप्लाई जोन वहां पर काम करता है, इसलिए वो करेक्शन आता है। और इस तरीके से ये वेव बनती है दोस्तों, इस तरीके से मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर हम आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर ये कैंडल दिख रही होंगी, ये बुलिश कैंडल है, ये आप लोगों को मालूम है, प्राइस लो, हाई, हायर हाई और हायर लो लगाकर ऊपर जा रही है। अगर हमें ऐसी सिमिलर कैंडल दिखती है तो वो कैंडल के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैंने आपको पीछे कैंडल स्टिक के ग्राफ क्यों दिखाए। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की सिमिलर कैंडल दिखती है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर बायर ने जितनी ताकत लगाई थी उतनी ही ताकत यहाँ पर भी लगाई है। इसका मतलब बायर ने जब यहाँ से बाइंग चालू की तब उसके पास जितनी क्वांटिटी थी उतनी क्वांटिटी ये कैंडल जब चालू थी, ये कैंडल जब बन रही थी तब भी बायर के पास उतनी ही क्वांटिटी थी, उतनी ही ताकत थी, उतनी ही पावर थी। आपको ये कैंडल के थ्रू मुझे ये समझाना है कि बायर की ताकत दोनों जगह सरीकी है, इसीलिए ये कैंडल लगभग सेम बनी है। अगर ताकत सेम होती है दोस्तों तो ये कैंडल का ग्राफ और ये कैंडल का ग्राफ भी सेम बनता है। ये आप लोगों को अभी मानना पड़ेगा क्योंकि अगर ये कैंडल की और ये कैंडल की ताकत सेम है तो ये ग्राफ भी सेम बनना चाहिए। तो ये ग्राफ भी सेम बना है। तो दोस्तों अगर हम आगे जाते हैं और आगे का पिक्चर देखते हैं तो आपको सेम पिक्चर दिखाई देगा जो हमने पीछे देखा था। सेम कैंडल, सेम पिक्चर, खाली हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। इसका मतलब कि हमने ये जो पिक्चर देखे दोस्तों, पीछे ये जो पिक्चर देखे, ये पिक्चर और ये जो कैंडलस्टिक के पिक्चर हमें सेम ग्राफ दिखा रहे हैं। ये आपको यहाँ पर अभी समझ में आ रहा होगा कि हमने जो सप्लाई जोन के दो पिक्चर देखे और ये कैंडलस्टिक के दो पिक्चर देखे, ये पिक्चर हमें सेम पैटर्न दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि चारों ही पिक्चर के अंदर बायर की ताकत सेम थी, इसलिए ये पैटर्न हमें चारों पिक्चर के ऊपर दिख रहा है। कौन सा पैटर्न? ये जो हम देख रहे हैं, ये देखो, ये जो पैटर्न देख रहे हैं, ये बीच वाला पैटर्न बोल रहे हैं हम, ये कैंडल के अंदर वाला पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, कि हमें चारों ही पिक्चर के अंदर हमें ये पैटर्न सेम लॉजिक के साथ दिखता है, सेम तरीके से दिखता है। ये मैं पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। हम जब चार्ट के ऊपर जाएंगे तब हम रियल चार्ट के ऊपर भी जाके समझेंगे। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि ये करेक्शन क्यों आता है, यहां पर सेलर बैठा होगा, ये करेक्शन क्यों आता है, यहां पर सेलर बैठा होगा, इसीलिए करेक्शन आया, लेकिन बायर की ताकत ज्यादा थी इसीलिए बायर ने वापस ताकत लगाई, वापस बाउंस आया और प्राइस को बायर ऊपर लेके गया। इस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है और चार्ट को समझना है। तो वापस देख लो दोस्तों, ये सेम चार्ट है, ये ड्राइंग छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन लॉजिक सेम है, सेम लॉजिक है, ये कैंडल और ये चार्ट। बड़े कैंडल के अंदर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है, यही मुझे इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना था। अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वापस यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर स्टार्ट किया था कि हमने ये कहा था अगर यहां पर बायर ज्यादा है और बायर के पास ज्यादा क्वांटिटी है तो वो प्राइस को ये लेवल के पास लेके जाएगा, मतलब सप्लाई जोन के पास लेके जाएगा। जब प्राइस ये लेवल से लेके ये लेवल तक जाती है तब हम ये पहला वाला जो पॉइंट है इसको हम ये नाम देते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है जब सप्लाई जोन से प्राइस में करेक्शन आता है
उस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं। ये पॉइंट का नाम क्या है? ये बी पॉइंट है। यहां से बाइंग चालू हो गई, यहां से करेक्शन आ गया, इसलिए हमने ये पॉइंट को बी नाम दे दिया। उसके बाद वापस प्राइस ऊपर चलना चालू हो गई। मतलब क्या है कि यहां पर बायर वापस एक्टिवेट हो गया और प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करने लगा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है और ये वाला पॉइंट बनता है दोस्तों, ये वाले पॉइंट को हम सी नाम देंगे। हम इसको क्या नाम देंगे? सी। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ए के ऊपर सी बना है और ए के ऊपर बी बना है और बी के नीचे सी बना है। मतलब सी ए और बी के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सी ए और बी के बीच में है। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई और यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट बना? ये पॉइंट बना डी। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारा पॉइंट बना डी। अभी डी पॉइंट की कंडीशन कौन सी है दोस्तों? डी पॉइंट बी के ऊपर बनना चाहिए और सी के ऊपर बनना चाहिए। जब भी कभी डी बनता है दोस्तों, तो ओ बी के ऊपर और सी के ऊपर ही बनना चाहिए। अगर डी पॉइंट, समझो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये हमारा ग्राफ यहां पर आपको दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जैसे कि ये ए पॉइंट बना, ये सी बना और ये डी बना, दोनों एक दूसरे के सामने बने, तो हमें ये पॉइंट को डी पॉइंट मानना नहीं है। डी पॉइंट बी के ऊपर ही बनना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ये कंडीशन क्यों है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपको फिलहाल इतना ही समझना है, अगर हम एबीसीडी काउंट करते हैं दोस्तों, तो हमारी एबीसीडी इस तरीके से ही काउंट होनी चाहिए। हमारी एबीसीडी जो है दोस्तों, इस तरीके से ही काउंट होनी चाहिए, ए बी सी और ये डी। डी पॉइंट इस सामने बनता है तो हम इसको डी पॉइंट नहीं मानेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, वही रिवीजन वापस करते हैं अगले चार्ट के ऊपर, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए। वही चार्ट है दोस्तों, देखो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, बराबर है। तो यहाँ पर हमें ई पॉइंट भी दिख रहा है, हम इसको ई नाम देंगे। ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसको हम ई नाम देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ए बी सी डी ई, मतलब ए सी ई एक दूसरे के ऊपर है और बी डी बी के ऊपर डी है, इतना ही आपको समझना है। अगर हम यही पॉइंट को हम कैंडलस्टिक के ऊपर जाके देखते हैं, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे दोस्तों? ये हो गया हमारा ये पॉइंट, कौन सा वाला? ये लो वाला ए पॉइंट हो गया, ये हाई वाला हमारा बी पॉइंट हो गया। उसके बाद ये करेक्शन आया और ये पॉइंट बन गया हमारा सी पॉइंट, और उसके बाद वापस एक नया हाई लगा, ये बन गया हमारा डी पॉइंट। अगर आप यहां से काउंट करते हैं दोस्तों, ए बी सी डी, बराबर है। तो आपको इस तरीके से कैंडलस्टिक को भी काउंट करना है, इस तरीके से ही कैंडलस्टिक को देखना है। जैसे कि मैं आपको वापस क्लियर करता हूं, अगर हम ये कैंडलस्टिक के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, तो हम इसको क्या नाम देंगे? ये वाले पॉइंट को हम ये वाले पॉइंट को नाम देंगे ये। ये वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे दोस्तों? बी। ये वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे? सी। और ये वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे? डी। तो इस तरीके से हमारे ए बी सी डी बनने चाहिए। यहां पर आपको मैंने पूरी आसान भाषा में समझाया है दोस्तों, और ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं। वापस क्लियर करता हूं,
बी के ऊपर डी बनना चाहिए और ए के ऊपर सी बनना चाहिए, और बी के नीचे सी बनना चाहिए, सी के ऊपर डी बनना चाहिए और बी के ऊपर ही डी बनना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको यहां पर सेम इमेज के ऊपर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट दिख रहा है। जो भी हमने सीखा है दोस्तों, सेम लॉजिक के साथ सीखा है। जो हमने पिछले इमेज के ऊपर देखा वही यही इमेज के ऊपर देख रहे हैं। इसका मतलब ये सभी जो इमेजेस है दोस्तों, ये सभी इमेजेस हमें एक ही पैटर्न दिखा रही है, बराबर। तो हम आगे के इमेज के ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहां से बाइंग चालू हो गई, यहां पर बी पॉइंट बना। बी पॉइंट बनने के बाद आपको यहां पर ये सी पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, अभी तक बना नहीं है। प्राइस ऐसी नीचे भी जाती है और यहां पर क्लोजिंग देती है, तो यहां पर हमारा सी पॉइंट बनेगा। मुझे ये आपको समझाना था, इसीलिए मैंने यहां पर पहले से ही यहां पर सी पॉइंट ड्रॉ करके रखा है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहां पर हमारा सी पॉइंट कब बनेगा, जब प्राइस यहां से ऊपर चली जाएगी तब हमारा ये सी पॉइंट बनेगा। और यहां पर ये हमारा बी पॉइंट बना है और यहां पर ये हमारा ए पॉइंट भी बना है, सी पॉइंट बनना बाकी है। अगर हम आगे के पिक्चर के ऊपर जाके देखते हैं तो आपको यहां पर ये पॉइंट दिख रहा है। अगर हम ये इमेज को देखते हैं दोस्त, यहां पर आपको ए पॉइंट दिख रहा है, यहां पर आपको बी पॉइंट दिख रहा है, यहां पर आपको सी पॉइंट दिख रहा है, अभी तक डी पॉइंट नहीं बना है। लेकिन अगर हम ये इमेज के आगे के इमेज के ऊपर जाके देखते हैं दोस्तों, तो आपको ये डी पॉइंट भी बना हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर डी पॉइंट बन चुका है, ये सी पॉइंट बन चुका है, ये बी पॉइंट बन चुका है और ये ए पॉइंट बन चुका है, और यहां पर ई पॉइंट बनने के लिए प्राइस आ गई है। जब भी कभी हमें इस तरीके का पैटर्न दिखता है, मतलब ए के ऊपर बी, बी के नीचे सी, ए के ऊपर सी और सी के ऊपर डी और बी के ऊपर डी, ये पैटर्न बनते हुए दिखता है, तब हमारा यहां पर ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तब हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। जब भी कभी हमें ट्रेंड कंफर्म करना होता है दोस्तों, तब हमारा ये जो डी पॉइंट है वो कंफर्म होना चाहिए, और उसके लिए हमने जो पूरी कंडीशन देखी दोस्तों, वो कंडीशन मैच होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। और डी पॉइंट हमारा ट्रेंड कंफर्म करता है, ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि हमारा डी पॉइंट जो है वो ट्रेंड कंफर्म करता है। जैसे कि यहां से प्राइस चालू हो गई और आपको ट्रेंड कंफर्म करना है, तो कैसे कंफर्म करना है, जैसे मैं काउंट करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर ये पॉइंट बना है, ये बी बना है, ए के ऊपर बी बना है, बी के नीचे सी बना है, हाँ, और ए के ऊपर भी सी बना है, तो ये हमारा सी पॉइंट भी कंफर्म हो गया। और सी के ऊपर डी बना है और बी के ऊपर भी डी बना है, तो यहां पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया, हम यहां पर बाइंग का सोच सकते हैं। तो आप लोगों को यहां पर ट्रेंड कैसे कंफर्म होता है, ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कि जब भी कभी हमारा ट्रेंड कंफर्म होता है, तो ट्रेंड कंफर्म होने के लिए हमें डी पॉइंट चाहिए। हमने जो भी कंडीशन देखी वो कंडीशन मैच होनी चाहिए और डी पॉइंट भी बनना चाहिए, तब भी हम मानेंगे कि हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया है। और एक बात कहता हूं दोस्तों, और एक क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाता हूं। समझो कि देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये हो गया हमारा डी पॉइंट, बराबर है। यहां पर हमारा ये डी पॉइंट है, यहां पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया जो ये पैटर्न के अंदर हमने देखा, बराबर है। लेकिन अगर ऐसा बनता है तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट,
ये हो गया हमारा सी पॉइंट और ये हो गया हमारा डी पॉइंट और यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पर हम ट्रेंड कंफर्म है ऐसा मानेंगे क्या? नहीं, हमें बी पॉइंट के ऊपर ही डी पॉइंट बनते हुए दिखना चाहिए या बी पॉइंट के ऊपर ही डी पॉइंट बनना चाहिए, यह हमारी कंडीशन है। और एक बात मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट और ये हो गया हमारा डी पॉइंट। तो ये पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट, सॉरी ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के नीचे सी बना है, यहाँ पर ए के ऊपर सी बना है। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, आपको इस तरीके से ही देखना चाहिए, ये पैटर्न को इस तरीके से ही आपको रीड करना है दोस्तों। मैंने बहुत बार रिपीट किया है दोस्तों, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए आपके पास से। डी पॉइंट से जब ई पॉइंट बनता है दोस्तों, तब हमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न के अंदर हमें क्या देखना है, ये भी आपको अभी ठीक तरीके से समझना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं दोस्तों, और वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है? जब हमारा डी पॉइंट कन्फर्म होता है, तब हमारा ट्रेंड कन्फर्म होता है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है और यहाँ पर ई पॉइंट बनता है, तब हमें कौन सी कंडीशन चार्ट के ऊपर दिखनी चाहिए, वो कंडीशन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जब ई पॉइंट बनता है, तब हमें कौन सी कंडीशन देखनी है। कंडीशन नंबर वन, ये हमारे जो राउंड है दोस्तों, ये सिमिलर होने चाहिए और ये दोनों का डिस्टेंस भी सिमिलर होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये भी सिमिलर होना चाहिए। मतलब हमारा जो चश्मा रहता है ना दोस्तों, वो कैसा सिमिलर रहता है, गाड़ी के चक्के, साइकिल के चक्के कैसे सिमिलर दिखते हैं, सरीके दिखते हैं, उस तरीके के ये राउंड भी हमें दिखने चाहिए। ये हाफ राउंड है हमारे, ये हाफ राउंड जो है दोस्तों, ये सिमिलर दिखने चाहिए। यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर आपको चार्ट के ऊपर इस तरीके की कंडीशन दिखती है, तो आप यहां पर ट्रेड नहीं बनाओगे। जब भी कभी आपको ये कंडीशन मैच होती हुई दिखती है दोस्तों, तब आप यहाँ पर एंट्री का सोच सकते हो। ये हमारा ई मतलब एंट्री पॉइंट है, ये आपको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। ये हमारा ई मतलब एंट्री पॉइंट है। एंट्री लेने के लिए हमारी यही कंडीशन है कि ये जो कर्व है, ये हमें सिमिलर दिखने चाहिए, उसके अंदर ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक जो कर्व है दोस्तों, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो भी हम वहां पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तो भी हम वहां पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कंडीशन है। तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। फिलहाल आपको इतना ही देखना है दोस्तों कि ये कर्व सेम होने चाहिए, ए के ऊपर बी बनना चाहिए, सी के ऊपर डी बनना चाहिए और बी के ऊपर डी बनना चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन बनी है दोस्तों, उसके ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ पर हमें कुछ कैंडलस्टिक के रिवर्सल पैटर्न देखने होते हैं। और रिवर्सल पैटर्न देखने के बाद हम यहाँ पर बाइंग का सोचेंगे। और रिवर्सल पैटर्न में आपको आगे दिखाने वाला हूँ कौन से पैटर्न बनते हैं। और एक बात क्लियर करता हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन कट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्राइस कट करती है, ऐसी में यहाँ पर सिमिलर सब मिलता है, तो भी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन कट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही प्राइस सी पॉइंट बनाकर ऊपर जा रही है, तब हम यहाँ पर ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और जब प्राइस ये ई पॉइंट के ऊपर आएगी, सस्टेन करेगी, तब हम यहाँ पर ट्रेड का सोचेंगे। मैंने बहुत बार क्लियर किया है दोस्तों, तो आप लोगों को ये पैटर्न भी क्लियर हुआ होगा। वापस रिपीट करता हूं और हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखो दोस्तों, सेम पैटर्न है, हमने सीखा करेक्शन क्यों आता है, वो सीखा। ये करेक्शन आने के बाद प्राइस ऊपर जाती है,
उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बनाती है, ये भी हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो हमने ये सेटअप सीखा था वो कैंडल स्टिक के ऊपर, मतलब ये जो कैंडल स्टिक बनती है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें थोड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेम सेटअप देखने को मिलता है जो हमने ये जो सप्लाई के वीडियो में सीखा, वही सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हमने उसकी वापस रिवीजन की। ये रिवीजन करने के बाद हमने ए बी सी और डी पॉइंट के ऊपर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, वहां से ही हम मानना चालू करते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया है और हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसके बाद ए ने और सी ने जो ट्रेंड लाइन बनाई है उसके ऊपर हम एंट्री का सोचते हैं और वहां पर हम एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है तो हमें ये थ्री कैंडल पैटर्न और ये बुलिश अंगल्फिक पैटर्न दिखना चाहिए। कहां पर दिखना चाहिए? ये जगह हमें ये पैटर्न दिखना चाहिए। ट्रेंड लाइन को कैंडल ने कट नहीं करना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें ये जगह ये बुलिश अंगल्फिंग पैटर्न और ये थ्री कैंडल पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, जो भी नाम है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम रहते हैं दोस्तों, तो इसको हम थ्री कैंडल पैटर्न नाम देंगे। ये जो ब्लैक वाली कैंडल है इसका कलर कौन सा भी रह सकता है, ग्रीन भी रह सकता है, रेड भी रह सकता है, इसीलिए मैंने उसको ब्लैक कलर दे दिया है। आपको कौन सा भी कलर यहाँ पर दिख सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ब्लैक ही कलर दिखाया है। यहाँ पर ग्रीन भी कैंडल रह सकती है, रेड भी कैंडल रह सकती है। तो अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम एंट्री कहां पर लेंगे? एंट्री लेंगे ये कैंडल के हाई के ऊपर और हमारा एसएल रहेगा दोस्तों ये कैंडल के लो के नीचे। अगर हमें यहां पर एंट्री लेनी है तो यहां पर रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे और जो कैंडल का लो बड़ा है उसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। इतना सिंपल है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। ये दो कैंडल मालूम हो गए, पूरा बेसिक है। अगर मालूम नहीं है तो आप गूगल के ऊपर भी सर्च करते हैं, गूगल इमेज के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेज आपको गूगल के ऊपर देखने को मिलेगी। हमें ये इंपॉर्टेंट पैटर्न अगर मालूम हो जाते हैं दोस्तों तो उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न डायरेक्ट इनडायरेक्टली आ जाते हैं। मदर बेबी पैटर्न आ जाता है, पिन बार भी आ जाता है, डोजी भी आ जाती है। हमारे लिए ये दो पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न अगर बनते हैं तो हमारी एंट्री ए लेवल के ऊपर होगी, अगर ये पैटर्न बनता है तो हमारी एंट्री ए लेवल पे होगी। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। लेकिन अगर आप यहां पर एंट्री लेना भूल गए तो आप ये कैंडल के हाई के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं और जो कैंडल का लो बड़ा है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे ही कंडीशन यहां पर भी है, आपकी यहां पर एंट्री मिस हो गई तो आप ये कैंडल के हाई के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, जो कैंडल का लो बड़ा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यही हमारी कंडीशन है और ये पूरे पैटर्न का नाम है दोस्तों बुलिश ट्रेंड पैटर्न। हम जब भी बात करेंगे, आपको जब भी दिक्कत आएगी तो आपको मुझे ये पूछना है, सर बुलिश ट्रेंड पैटर्न में मुझे ये दिक्कत है, सर मुझे बुलिश ट्रेंड पैटर्न में ये डाउट है, सर मुझे बुलिश ट्रेंड पैटर्न में ये समस्या है, जो भी पूछना है बुलिश ट्रेंड पैटर्न का नाम लेके ही पूछना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कौन से पैटर्न में क्या दिक्कत है। तो ये जो पैटर्न का नाम है दोस्तों बुलिश ट्रेंड पैटर्न, हम अभी प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे, चार्ट के ऊपर हमें वो पैटर्न कैसे ढूंढना है और कैसे पहचानना है। तो यहां पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, आपको ये दोनों भी पैटर्न क्लियर हो गए होंगे ऐसी आशा करता हूं। ये कैंडल थ्री कैंडल पैटर्न है, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और ये बुलिश अंगल्फिंग पैटर्न है। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो आपको यहां पर ये अप ट्रेंड दिख रहा होगा दोस्तों। अगर हम यहां पर वो पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहां पर ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखो दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। देखो दोस्तों, हम इसको नाम भी दे देते हैं आपके सामने, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। अगर हम यहां पर नाम देते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ओके, और बी पॉइंट के बाद ये हो गया हमारा सी पॉइंट, सॉरी ये सी पॉइंट यहां पर आएगा हमारा, ये हो गया हमारा डी पॉइंट और
ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। ओके, एंट्री पॉइंट। तो आपको यहां पर क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींचनी है और देखना है कि क्या हमारे जो कर्व है वो सेम बन रहे हैं या नहीं। आपको दिख रहा है ये जो दोनों राउंड है वो सेम बन गए हैं, इसका मतलब ये हमारा बुलिश ट्रेंड पैटर्न है और यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से आपको चार्ट बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने सही समझा है या गलत समझा है। अगर आप गलत समझते हैं वहां पर हम वो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ये पैटर्न को ड्रॉ करना है। पैटर्न को ड्रॉ करते टाइम आपके जो कर्व है दोस्तों, ये सेम आने चाहिए, यही हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद यहां पर हमारी एंट्री हो गई। आपको यहां पर दिख रहा होगा ये थ्री कैंडल पैटर्न, प्राइस नीचे गिर रही थी, ये थ्री कैंडल पैटर्न बना और यहां से प्राइस ऊपर गई। ये कैंडल की हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी, सबसे बड़ा जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट फर्स्ट स्विंग हाई रहेगा, ये हमारा फर्स्ट स्विंग हाई, हमारा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद हमारा जो भी सेकंड वाला स्विंग हाई है वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। देखो दोस्तों, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ये बड़ा स्विंग हाई यहां पर है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों। इसके हाई के ऊपर हमारी एग्जिट रहेगी। तो इस तरीके से आपको टारगेट भी लगाना है, इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। यह हमारा फर्स्ट टारगेट, यह हमारा सेकंड टारगेट। अगर आपको थर्ड टारगेट की बात करनी है दोस्तों, तो ये थर्ड टारगेट आपका यहां पर है, तो इसके ऊपर आपका थर्ड टारगेट लग जाएगा। इस तरीके से आपको ये पैटर्न को ड्रॉ करना है। और ये पैटर्न पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ये अगर आप समझ गए तो आपको पैटर्न पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये रिट्रेसमेंट लगाता हूं दोस्तों, तो आपको ये रिट्रेसमेंट 61 की रिट्रेसमेंट दिख रही है। आपको यहां पर रिट्रेसमेंट की जानकारी लेनी होगी। बहुत सारे YouTube के ऊपर अच्छे अच्छे रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप सर्च करते हैं YouTube के ऊपर, तो आपको रिट्रेसमेंट क्या होती है वो समझ में आएगा। ये देखो 61 की ये रिट्रेसमेंट यहां पर आपको दिख रही है, 61 को प्राइस ने टच किया, प्राइस ऊपर गई। उसके बाद यहां से अगर हम ये रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो यहां पर भी आपको 61 की रिट्रेसमेंट दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की रिट्रेसमेंट सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो हमारे कर्व है, ये जो हमारे राउंड है, सेम है। इसका मतलब ये भी होता है कि बायर सेम तरीके से छलांग लगा रहा है, बायर सेम तरीके से जंप कर रहा है और हम यहां पर बाय कर सकते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन था दोस्तों। ये मैं चार्ट के ऊपर ही आपको दिखा सकता था, चार्ट के ऊपर ही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता था, इसलिए मैंने यहां पर ये चार्ट के ऊपर आपको दिखाया। इस तरीके से आपको चार्ट को ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर हम और एक चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट है दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम यहां पर ऐसी एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ऐसे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर हमारा ए पॉइंट रहेगा, यहां पर हमारा बी पॉइंट रहेगा, यहां पर हमारा सी पॉइंट, यहां पर डी पॉइंट, यहां पर एंट्री पॉइंट। ये कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे हम उसके टारगेट भी बढ़ाते जाएंगे, फर्स्ट स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई, इस तरीके से हमारे टारगेट रहेंगे। अगर हम यहां पर भी रिट्रेसमेंट लगाते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर एक रिट्रेसमेंट लगानी है और देखना है कि यहां पर कौन सी रिट्रेसमेंट आ रही है दोस्तों। यहां पर 50 की रिट्रेसमेंट आ रही है। अगर हम यहां से लेके यहां तक अगर वापस एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो आपको यहां पर कौन सी रिट्रेसमेंट आ रही है, 50 की रिट्रेसमेंट आ रही है। इसका मतलब यहां पर जो बायर है दोस्तों, 50 की रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट दे रहा है, 50 की रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है, 50 की रिट्रेसमेंट के साथ काम कर रहा है, 50 की रिट्रेसमेंट से जंप ले रहा है। आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हैं। इसका मतलब बायर के पास पिछले बाउंस में जितनी ताकत थी उतनी ताकत ये बाउंस में भी है। यहां पर 50 के रिट्रेसमेंट के ऊपर से प्राइस बाउंस ले सकती है
हमारी एंट्री ये कैंडल के हाई के ऊपर होगी, जो कैंडल का लो बड़ा है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम और एक चार्ट देखते हैं दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अगर आपको यहां पर ये पॉइंट दिखता है, यहां पर बी पॉइंट दिखता है, और यहां पर सी पॉइंट दिखता है, और यहां पर डी पॉइंट दिखता है, और यहां पर सॉरी ये एंट्री पॉइंट दिखता है, तो आपकी कंडीशन मैच हो गई है। यहां पर हमें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, यहां पर हमारा एबीसीडी पैटर्न भी दिख रहा है। बी के ऊपर डी है, सी के ऊपर ई है, और ए के ऊपर सी है, बी के नीचे सी है, हमारी कंडीशन मैच हो रही है। तो यहां पर हम और एक चेक करेंगे, हम यहां पर क्या चेक करेंगे दोस्तों, हम यहां पर रिट्रेसमेंट लगाएंगे। देखो हमने यहां पर रिट्रेसमेंट लगाई और ये रिट्रेसमेंट आपको दिखा रही है कि ये जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों 38 के ऊपर आ रही है, और हम आगे की रिट्रेसमेंट चेक करते हैं दोस्तों, वो भी 38 के ऊपर आ रही है क्या दोस्तों, यहां पर भी ये रिट्रेसमेंट 38 के ऊपर आ रही है, इसका मतलब यहां से बाउंस आ सकता है और यहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। हम बाइंग कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये कैंडल के हाई के ऊपर, ये देखो ये थ्री कैंडल पैटर्न, ये कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये कैंडल का हाई रहेगा, ये स्विंग हाई हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इस तरीके से आपको ये चार्ट को देखना है दोस्तों, और इस तरीके से ही आपको चार्ट को ड्रॉ करना है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे भी डाउट आए होंगे कि इतना बड़ा चार्ट सर हमें दिखा रहे, हमें तो बीच में भी कुछ पैटर्न दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर भी अगर बीच में पैटर्न दिखता है वो भी पैटर्न वैलिड है। ये देखो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है ये पैटर्न, ये भी पैटर्न वैलिड है। आपका जितना बड़ा पैटर्न उतना बड़ा प्रॉफिट, उतना बड़ा स्टॉप लॉस। अब जितना छोटा पैटर्न लेंगे उतना छोटा स्टॉप लॉस, उतना छोटा टारगेट रहेगा। ये पैटर्न के अंदर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न देखने को मिलेंगे। मुझे आपको बड़ा चार्ट दिखाना था, लंबे समय का चार्ट दिखाना था, इसीलिए मैंने आपको बड़ा चार्ट दिखाया। आपको अगर छोटा चार्ट देखना है, छोटा मूल लेना है, तो आप छोटे चार्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, छोटे पैटर्न के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जितना बड़ा करो, जितना आपका बड़ा करो उतना बड़ा आपका प्रॉफिट, उतना बड़ा आपका लॉस। ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि अगर आपको ये पैटर्न भी ड्रॉ करना है तो आप ये पैटर्न को भी ड्रॉ कर सकते हो। ये पैटर्न के अंदर भी ये पैटर्न बना है, किसी के लिए ये पैटर्न रहेगा, किसी के लिए ये पैटर्न रहेगा। तो और सबकी देखने की नजर अलग अलग है, सबको यहां पर अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको ये बड़ा पैटर्न दिखता है तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, आपको ये छोटा पैटर्न दिखता है तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा काम आपको दिखाना है ये वाला भी पैटर्न चलेगा, ये वाला भी पैटर्न चलेगा। जैसे कि आपको यहां पर अगर पैटर्न दिखता है बीच में, समझो यहां अगर आपको पैटर्न दिखता है बीच में तो ये पैटर्न भी चलेगा, ये पैटर्न भी चलेगा, वो आपके ऊपर है आपको कहाँ ट्रेड करना है। मैंने इतना बड़ा जो पैटर्न दिखाया दोस्तों कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से भी देखा जाता है और इस तरीके से भी देखा जाता है। तो आपको यहां पर यह भी क्लियर हुआ होगा कि आपको बीच में भी छोटे छोटे पैटर्न दिखते हैं तो आप वहां पर भी ट्रेड कर सकते हो। और रिट्रेसमेंट का भी समझ में आया होगा, अगर किसी को रिट्रेसमेंट के बारे में डाउट है तो वो यूट्यूब के ऊपर जाके अगर कोई रिट्रेसमेंट के वीडियो देखते हैं दोस्तों तो उनको क्लियर हो जाएगा कि रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिट्रेसमेंट किस तरीके से देखी जाती है। और एक मैं आपका डाउट क्लियर करवा देता हूं दोस्तों, देखो दोस्तों 61 की रिट्रेसमेंट, ये देखो दोस्तों 61 की रिट्रेसमेंट और 50 की रिट्रेसमेंट और 38 की रिट्रेसमेंट स्ट्रांग रिट्रेसमेंट मानी जाती है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए 38 और 50 और 61 की अगर रिट्रेसमेंट आती है तो हमें वहां पर बाय का सोचना चाहिए। ये जो तीनों रिट्रेसमेंट है दोस्तों ये स्ट्रांग रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट को मार्केट रिस्पेक्ट देता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम और एक चार्ट देखते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो दोस्तों अगर आपको स्टार्ट करना है ट्रेंड देखना तो आप क्या करेंगे, ये लगा हमारा लो, हाई, हायर लो, हायर लो के बाद ये हमारा हायर हाई,
हायर लो हायर हाई, यहाँ पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया है, प्राइस ऊपर जा रही है। अगर आपको ये ट्रेंड के बीच में भी आपको आपका सेटअप मिलता है तो भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर आपको यहां पर दिख रहा है लो हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, यहां पर भी आपको सेम पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपको यहां पर भी कोई पैटर्न दिखता है तो आप यहां पर भी बाय कर सकते हो। मैं आपको हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, वो आपको समझना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है और खुद कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुझे यहाँ पर सेटअप दिखता था और यहाँ पर प्राइस कई यहाँ पर रहती थी तो यहाँ पर मैं बाय करता था। अगर हम यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको 23 की रिट्रेसमेंट दिख रही है और यहाँ पर भी आपको 23 की रिट्रेसमेंट दिख रही है। मतलब ये रिट्रेसमेंट और ये रिट्रेसमेंट दोनों भी रिट्रेसमेंट सेम है। अभी जैसे कि मैंने बोला 38, 50 और 61 की रिट्रेसमेंट स्ट्रांग मानी जाती है और यहां पर तो 23 की रिट्रेसमेंट है तो भी चलेगा दोस्तों, रिट्रेसमेंट सेम आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 38 की रिट्रेसमेंट आएगी और 50 की रिट्रेसमेंट आएगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतना समझना है कि कर्व जो है हमारे, ये कर्व ये हमारे कर्व सेम आने चाहिए और ये ट्रेंड लाइन प्राइस ने ब्रेक नहीं करनी चाहिए और प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखनी चाहिए, ना कि प्राइस इस तरीके से दिखनी चाहिए। अगर आपको ये पैटर्न दिखता है तो हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, हमें ऊपर जाने वाले प्राइस के ऊपर ही ट्रेड लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम यही पैटर्न को बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, बड़े चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमें यहां पर ये रिट्रेसमेंट दिख रही होगी और यहां पर हमें ये पैटर्न दिख रहा है। तो ये सब मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीजें वापस क्लियर कर रहा हूं। ये हो गया हमारा, देखो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, ये हो गया हमारा लो हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो। इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ये हो गया हमारा ई पॉइंट, यहां पर हमारी एंट्री होगी। और जब प्राइस डी पॉइंट कंफर्म करती है, बी के ऊपर डी जाता है, तब हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। जब ई पॉइंट बनने के लिए प्राइस नीचे आती है तो यहां पर हम एंट्री करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बोला है दोस्तों, तो भी मैं यहां पर आपको क्लियर करवा देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे, हम वापस ट्रेंड लाइन को खींचते हैं और यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो हमारी जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, हर टाइम सेम ही रिट्रेसमेंट आ रही है। यहाँ पर आपको 38 की रिट्रेसमेंट, सॉरी यहाँ पर आपको 50 की रिट्रेसमेंट दिख रही है। अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको 50 की रिट्रेसमेंट दिखनी चाहिए, ये देखो दोस्तों। और इसके लो को हम ठीक तरीके से जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको 50 की रिट्रेसमेंट दिखती है। इसका मतलब प्राइस 50 की रिट्रेसमेंट को फॉलो कर करके ऊपर जा रही है, जो भी बायर है वो 50 की रिट्रेसमेंट को फॉलो करके ऊपर जा रहा है या प्राइस 50 की रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रही है, जो आपको समझना है वो आप समझ सकते हो। और ये कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट जो टारगेट है दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्विंग हाई रहेगा, यह हमारा फर्स्ट स्विंग हाई, उसके बाद यह हमारा सेकंड स्विंग हाई, यह हमारा सेकंड स्विंग हाई हमारा टारगेट रहेगा। जैसे जैसे स्विंग हाई मिलता है उस तरीके से आप टारगेट लगा सकते हो। तो आपको ये पैटर्न भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर हम और एक चार्ट देखते हैं तो दोस्तों, आपको ये मारुति का चार्ट दिख रहा होगा, ये वीकली का चार्ट। और यहाँ पर मैं और एक चीज आपको चार्ट के ऊपर क्लियर करवा देता हूं, जो हमने पीछे सीखा था फोटो के ऊपर। देखो दोस्तों, हमने क्या सीखा था, जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसमें करेक्शन आता है। क्यों करेक्शन आता है, सामने सप्लाई रहता है, यहां पर सप्लाई है इसीलिए करेक्शन आया।
अगर आप ये सप्लाई को ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर बोरिंग कैंडल बहुत ज़्यादा है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पर मंथली के चार्ट के ऊपर आपको बोरिंग कैंडल जरूर दिखाई देगी, या छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बोरिंग कैंडल दिखाई देगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सप्लाई है, ये सप्लाई के अंदर ये बायर ने ताकत लगाई, ये करेक्शन आया, यहाँ पर बायर की ताकत ज़्यादा थी, वापस बायर ऊपर गया, वापस प्राइस कहाँ तक गई, ये लेवल के पास गई। यहाँ पर क्या था, सप्लाई था, ये पूरा सप्लाई है, कि सप्लाई के अंदर प्राइस गई, ये सप्लाई के अंदर प्राइस गई, वापस करेक्शन आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे थे, सेलर बैठे होने के कारण यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन ये जो बायर बाय करना चाह रहा था, ये बायर ऊपर जाना चाह रहा था, उसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, इसलिए यहाँ से वापस रैंडमली मूव आया। देखो 1, 2, 3, 4 कैंडल में इतना बड़ा मूव आ गया, मतलब प्राइस को नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग उसको ठीक तरीके से समझो। प्राइस को नीचे आने में कितना टाइम लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ हफ्ते लगे, और ऊपर जाने में कितने हफ्ते लगे, 1, 2, 3, 4 चार हफ्ते में प्राइस ऊपर चले गई। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इतनी बारीकी से अगर आप देखते हैं, इतनी बारीकी से आप स्टडी करते हैं, तो आपको चार्ट रीडिंग में दिक्कत नहीं आएंगी। मतलब यहाँ पर सेलर की ताकत कम थी, यहाँ पर जब सेलर नीचे आने की कोशिश कर रहा था तब भी बायर बाय कर रहा था, इसलिए सेलर को नीचे आने में इतना टाइम लगा, और बायर जब यहाँ पर जीत गया, रैंडमली यहाँ से मुंह आ गया। जो हमने कौन से चार्ट के ऊपर देखा था, सप्लाई जोन के चार्ट के ऊपर देखा था, मैंने आपको सप्लाई जोन का जो चार्ट दिखाया था, वो सेम सिस्टम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चार्ट के ऊपर। हर एक चार्ट के ऊपर इस तरीके से प्राइस ऊपर जाती है। अगर हम हमारे बुलिश ट्रेंड पैटर्न के ऊपर जाके देखते तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड पैटर्न, ये हो गया हमारा लो हाई, हायर लो हायर हाई, यहाँ पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया, ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, इस हिसाब से हमारा पैटर्न बनता है दोस्तों। ये पैटर्न कैसे बनता है वो भी सिखाया। देखो दोस्तों अगर आप ये रिट्रेसमेंट की यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ये देखो ये लो के पास अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हैं, और ये हाई के पास अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको 61 की रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही होगी, ये 61 की रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये 61 के रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर आपको वापस 61 की रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है। मतलब बायर के पास जितनी ताकत पहले थी उतनी ताकत अभी भी है, और हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये कैंडल के ऊपर। तो मैं खुद ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर वापस क्लियर करवा देता हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो वो ट्रेड लेने में। देखो दोस्तों मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं दोस्तों, बहुत खिचड़ी हो गई यहां पर। ओके मैं क्या करता हूं, ये हमारा ये पॉइंट बना, ये बी बना और ये सी बना। जैसे ही प्राइस ये डी पॉइंट बनने के लिए बी के ऊपर चलने लगती है, तब वो स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आ जाता है। जब भी कभी देखो ये डी के ऊपर प्राइस ट्रेड होने लगी, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि चलो डी तो कंफर्म हो गया है, अगर प्राइस नीचे आती है तो मैं वहां पर बाय करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर प्राइस ये समझो यहां पर आगे चार्ट बना ही नहीं है, तो मैं ये चार्ट को मारुति के वीकली चार्ट को मैं मेरे वॉच लिस्ट में लगा दूंगा। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद मेरा दूसरा काम क्या होता है दोस्तों, मेरा दूसरा काम होता है कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन को खींचना, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन को खींचना। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये मैंने ये पॉइंट और ये सी पॉइंट और ये ए पॉइंट को मैंने ज्वाइन करके रखा है, जब भी कभी प्राइस यहां पर नीचे आएगी तो मैं वॉच करते रहूंगा कि प्राइस सही में नीचे आ रही है या नहीं, या सीधी ऊपर चली जा रही है। जब भी कभी प्राइस नीचे आएगी तो मुझे दिखाई देगा कि ये मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सपोर्ट लेने वाली है या नहीं है। जो भी है, अगर प्राइस सपोर्ट लेती है और यहाँ पर हमारी कंडीशन भी फिलअप होती है, तो मैं वहां पर बाय का सोचता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं भी
वही लॉजिक लगाता हूँ मैं, पहले देखते रहता हूँ, चलो यहाँ पर तो हमारा बी बन गया है, यहाँ पर तो हमारा सी बन गया है, यहाँ पर तो डी बना है, चलो डी बना है, चलो प्राइज नीचे आती है क्या देखते हैं, अगर आती है तो फिर मैं वहाँ पर बाय करता हूँ। इतनी सारी कंडीशन में वहाँ पर मैच करता हूँ उसके साथ, ठीक तरीके से देखते हैं दोस्तों, तो स्टॉप लॉस कितना छोटा है और टारगेट कितना बड़ा है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, टारगेट कितना बड़ा है। अब कौन सा भी चार्ट ले लो दोस्तों, अगर आप सही आते हैं एक बार तो आप 10 ट्रेड के पैसे लेके जाएंगे, 2 ट्रेड के पैसे लेके जाएंगे, 3 ट्रेड के पैसे लेके जाएंगे। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने बड़े रिवार्ड्स आपको ये स्ट्रेटजी के हिसाब से मिलते हैं। आपको खाली ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए और उसके बाद आपके इमोशन भी कंट्रोल करने आने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने सब क्लियर किया है, मैंने ऐसी कौन सी भी चीज नहीं छोड़ी है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था और मैं बता नहीं पाया या भूल गया। मैंने पूरा प्लान करके मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, आप लोग इसको समझ सकते हो। आपके लिए एक घंटे का वीडियो है लेकिन इसके ऊपर मैंने खुद बहुत मेहनत की है दोस्तों, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो सके। और एक बात दोस्तों, आपको वीडियो कम से कम 2 बार देखने हैं, अपने वीडियो देखने के बाद आपको मुझे खुद रिप्लाई करना है, सर मैंने वीडियो देखा मुझे ये डाउट है या नहीं है। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता है तब तक मैं आपको पूछूंगा नहीं कि आपने क्या देखा है, आप किधर तक आए हो, आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। क्या हो जाता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, कोई लोग एक दिन में वीडियो देखते हैं, कोई लोग 2 दिन में देखते हैं, कोई लोग हफ्ते में देखते हैं, किसी के पास ज्यादा टाइम है तो पहले कंप्लीट करेगा, किसी के पास कम टाइम है तो थोड़ा लेट कंप्लीट करेगा। तो आपको रिप्लाई करना है, सर मैंने वीडियो देखा मुझे यहाँ पर ये डाउट है, और कौन सा वीडियो देखा ये भी रिप्लाई करना है, सर मैंने बुलिश ट्रेंड पैटर्न का वीडियो देखा, सर मैंने बेरिश ट्रेंड पैटर्न का वीडियो देखा, सर मैंने 2 वीडियो देखे अभी तक, सर मैंने 5 वीडियो देखे, जो भी देखा है आपको मुझे रिप्लाई करना है। उस हिसाब से मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या सीखा है और वहां पर मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों आपको जो भी चार्ट ड्रॉ करने हैं दोस्तों, इस तरीके से चार्ट ड्रॉ करने हैं, उसके सैंपल मैं आपको भेज दूंगा, और उस तरीके के कम 20-25 चार्ट आपको मुझे ड्रॉ करके भेजने हैं। तो दोस्तों आपको ये सिस्टम, ये बुलिश ट्रेंड पैटर्न समझ में आया होगा इसे आशा करता हूँ, और यहाँ पर ही मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। मैं वापस कहता हूँ, आपने वीडियो देखा, आपको खुद रिप्लाई करना है, मेरी तरफ से आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, वहां पर हम बेरिश ट्रेंड पैटर्न सीखने वाले हैं। तो चलो फिर यहाँ पर ही रुकते हैं।